हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ओरिगेंस कंपनी का रेड प्रीमियम अनियन ऑयल। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत ही बेनिफिट हैं। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल है और ये बालों को झड़ने से रोकता है, और जिनके ग्रोथ कम है बालों की तो उनके ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है। और आप कम से कम इसकी 2 या 3 बोतल यूज़ करें तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और बाल बहुत ही मुलायम और अच्छे हो जाते हैं इससे। और जिनके सर में जुए हैं वो भी ठीक करता है। यहाँ पे मैं अपनी बेटी से ऑयलिंग करवा रही हूँ, तो फ्रेंड इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्लिपकार्ट पे इसकी MRP है 1147, लेकिन फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे बहुत ही सस्ते में आपको लेस में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। तो बेनिफिट आप मुझे कमेंट में बताएं कि जब आपने इसको यूज़ किया तो आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ऑयलिंग करवा ली है, अब मैं सीधा चली जाऊँगी किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी, जिसको पंजाबी में चिबड़ों की सब्ज़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कुंदरू हैं वो मैंने कट कर लिए हैं, और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कुंदरू ऐसे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ही आपको लेने हैं जो कि ताज़े होते हैं। तो क्योंकि अगर थोड़े से बड़े या मोटे ले लेते हैं कुंदरू तो वो फिर पके हुए होते हैं, उसके बीज पके होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते। और 3-4 मैंने हरी मिर्च ले ली है, 1 टमाटर ले लिया है, 2-3 कलियां लहसुन की कट कर ली थी मैंने, अदरक और प्याज ये काट लिया है। तो चलिए बनाते हैं आज कुंदरू, और पंजाबी में कहते हैं चिबड़ों की सब्ज़ी। और 2-3 मैंने आलू ले लिए हैं, तो इनको भी कट कर लेती हूँ। जी, आप पे डिपेंड करता है मोटे पतले आलू आपने कैसे कट करने हैं। तो यहाँ पे मैं साइज़ दिखा रही हूँ आपको कि आलू मैंने कट कर लिए। तो उधर मैंने कढ़ाई रख दी है, अभी इसमें मैं ऑयल डालूँगी, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर आपको पता है सब्जियाँ जो है वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तेल जो है वो जैसे गर्म होगा तो सबसे पहले मैं इसमें गार्लिक जो है लहसुन वो मैं इसमें डाल दूँगी, और लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने पर मैं इसमें प्याज टमाटर नहीं प्याज अदरक डाल दूँगी। टमाटर और हरी मिर्च जो है वो मैं साथ ही में डालती हूँ, नहीं तो वो मतलब कैसा पूरे घर में मिर्च मिर्च की हो जाता है ना, इसलिए जो है मैं हरी मिर्च और टमाटर इकट्ठे डालती हूँ। अभी इनको ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करा करो, जितने व्यू होते हैं लाइक उतने नहीं होते। तो मेरी वीडियो इसलिए मैंने आज बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ, मैक्सिमम मुझे हफ्ता से ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि डिसपॉइंटेड कहीं ना कहीं हो जाते हैं कि सब लोग वीडियो जो है जहाँ तो पूरी नहीं देखते, अगर देखते हैं तो लाइक भी नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह सब अच्छे से मसाला भून लिया है, और नमक मैंने डाल दिया 1 चम्मच, और रेड चिल्ली पाउडर मैंने ले ली है 1 चम्मच। तो आप अपने स्वाद अनुसार देख लेना कम ज़्यादा, बाकी बेसिक ही मसाले होते हैं नमक मिर्च हल्दी। तो अब इनको हल्का सा भून के, तो सबसे पहले मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी, क्योंकि कुंदरू जो है वो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए आलू मैं सबसे पहले इसमें फ्राई करूँगी। मसाले ने तेल छोड़ दिया, अब मैं इसमें आलू ऐड करने जा रही हूँ। एक से दो मिनट तक इसको भून लेंगे, तो फिर इसमें कुंदरू भी ऐड कर देंगे साथ ही में। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको ये रसीली सब्जी अच्छी लगती है, ज़्यादा तरी वाली रस्से वाली पसंद है, तो आप इसमें पानी ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन आज हम लोग इसको सूखी बना रहे हैं तो इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, उतना ही डालूंगी जिससे में ये सब्जी पक जाए। तो सब्जी ज़्यादा देर नहीं लगती, 10-15 मिनट में पक जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। ये जो कुंदरू की कुंदरू होते हैं इसकी चटनी भी बनती है, वो भी कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अब इसको कम से कम 7-8 मिनट के लिए ढक देंगे। आप देख सकते हो मैंने आधी कटोरी से भी कम पानी लिया है। सब्जी जो बहुत ही टेस्टी बनी थी, जब आप प्लीज अपने घर पर जरूर ट्राई करना। अब 5-7 मिनट बाद मैंने इसको खोल के देखा, पानी लगभग सूख ही गया है। तो अभी इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है सब्जी को,
और 4-5 मिनट के लिए फिर से ढक दूंगी। अब 4-5 मिनट बाद फिर इसको खोल के देखते हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पे मैं आपको आलू भी कट करके दिखाऊंगी, सब्जी ने तेल छोड़ दिया। तो इस स्टेज पे जो है मैं गैस बंद कर दूंगी और इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। सब्जी पक गई है तो अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी सब्जी बनी है और खाने में भी वाकई में बहुत टेस्टी थी। बस सब्जी बनने में काटने में मुझे जैसे कि 1 घंटा कम से कम लगा है, 1 घंटा 40 मिनट इतने ही लगे। तो उसके बाद मैं अपना हेड वॉश करने चली गई तो बाल इतने अच्छे हो गए थे, इतने मुलायम हो गए थे कि बस ये था कि बालों को बार बार मैं छू के देख रही थी कितने मुलायम बाल हो गए थे। तो प्लीज़ आप लोग, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो ऑयल ज़रूर ज़रूर लेना। और फ्रेंड्स ये भी बताना जब आपने ये सब्जी अपने घर पर बनाई, इस तरीके से बनाई, तो आपको कैसी लगी। तो हाँ जी, सब्जी वगैरह बना के हेड वॉश मैंने कर लिया है तो मैं दिखा रही हूँ कि बाल ऐसे मतलब इतने अच्छे मुलायम हो गए थे। तो जहाँ थोड़े बाल कम हैं तो बस वही बात है ना, अब ये ऑयल यूज़ करें, बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें।